नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 11 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सीबीएसई ने परीक्षा से पहले जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने हाल ही में 15 फरवरी से शुरू होने वाले परीक्षा में शामिल हुए सभी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश की सूची जारी की है, जिसके तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान घड़ी पहनकर आने से सख्त मनाही की गई है। इसके साथ ही सीबीएसई ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर समय से 10 मिनट पहले पहुंचने की अपील की है। इतना ही नहीं, सीबीएसई ने यह भी साफ कर दिया है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। बिहार में अब जमीन की मापी होगी मशीन से। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। राज्य में जमीन के शुरू होने वाले सर्वे का काम अब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन के इस्तेमाल से होगा। इतना ही नहीं, अब आगे से जमीन का सीमांकन और उसकी मापी भी इसी मशीन के मदद से की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस आधुनिक उपकरण से जमीन की मापी एक्यूरेट और सटीक होगी। आपको बता दें, लाए गए इस नए उपकरण का इस्तेमाल राज्य में शेखपुरा के घाटकुसुम्बा, सुपौल के पीपरा और बेगूसराय के सदर अंचल में शुरू हो रहे भू सर्वेक्षण कार्य में किया जा रहा है। 17 फरवरी को अब सभी नियोजित शिक्षक उतरेंगे सड़कों पर। सरकार के सख्त आदेश के बाद भी सभी नियोजित शिक्षकों ने 17 को सड़कों पर उतरने के फैसले को वापस नहीं लिया है। सरकार द्वारा अपनाए गए तमाम प्रयासों के बावजूद ये सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांग पर बने हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब सभी शिक्षक 17 तारीख को बंद का आह्वान करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये सभी नियोजित शिक्षक सरकार से समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। पटना समेत कई जिलों में ठंड में एक बार फिर से हो सकती है बढ़ोतरी। फरवरी के महीने में लोगों को ठंड से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं जागी है। वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने ठंड में बढ़ोतरी होने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। इसके साथ ही कई जगहों पर केवल बादल छाने का अंदाजा भी लगाया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में ठंड में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह तक दिन के समय में ठंडी हवा का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में चुनाव की शुरू हुई तैयारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के किस्से के बाद अब बिहार की राजनीतिक पार्टियां बिहार के चुनाव पर ध्यान दे रही हैं, जिसके तहत अब जदयू पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। जिसके तहत जदयू पार्टी ने सभी जिलों में प्रत्येक विधानसभा इलाके में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। शिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन पार्टी के बूथ अध्यक्ष, सचिव, पंचायत अध्यक्ष व प्रखंड समिति सहित संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल रहे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन प्रभारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और पार्टी के अन्य प्रमुख नेता प्रशिक्षण की भूमिका में रहेंगे। भागलपुर की भारती कुमारी ने रचा इतिहास। भागलपुर के नाथनगर की रहने वाली भारती कुमारी ने इतिहास रच दिया है। वे एकलव्य 19 की ओवरऑल महिला चैंपियन बनी हैं। भारती ने 5.13 मीटर की छलांग लगाई है और महिला वर्ग में सबसे अधिक अंक 802 हासिल किए हैं। वे TNB कॉलेज की छात्रा हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ करने का जज्बा हो तो समस्या बाधा नहीं बनती है। कल बोधगया पहुंचे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। भारत पहुंचे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे कल यानी कि सोमवार को बोधगया की धरती पर पहुंचे थे, जिसके बाद बोधगया पहुंचते उन्होंने बोधगया के बुद्ध मंदिर महाबोधि सोसाइटी में पूजा अर्चना की और साथ ही बोधगया और भारत की मेजबानी की भी सराहना की। बॉलीवुड में धमाल मचा रहा बिहार का देवानंद। जमुई जिले के देवानंद कुमार उर्फ पप्पू अपने अभिनय के दम पर सिनेमा जगत में अपना लोहा मनवा रहे हैं। हम सूर्यवंशम की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म के डायरेक्टर कुमार पांडे हैं, वहीं मुंबई के भोजपुरी फिल्म के उमेश सिंह भी हैं। उनकी पत्नी मधु सिन्हा भी अभिनय कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उमेश सिंह पहले व्यवसायी थे, उन्हें फिल्म का ऑफर मिला था। महिला वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार के गोपालगंज में। एक समय था जब बिहार की महिलाएं बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेती थी, और आज एक समय है जब गांव कस्बे की महिलाएं सरकार बनाने या हटाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि गोपालगंज जिले में महिला वोटरों की जारी की गई संख्या की सूची का मानना है। इस चुनावी साल में जारी किए गए मतदाताओं की सूची में यह बात सामने आई है कि गोपालगंज जिले में महिलाएं वोट देने के मामले में बाकी जिलों की महिलाओं से ज्यादा सक्रिय हैं। जारी किए गए सूची के अनुसार गोपालगंज में 1000 पुरुष मतदाताओं पर 992 महिलाएं हैं। वैशाली के राजा विशाल के गढ़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। प्राचीन समय में राजा विशाल का गढ़ रहा यह स्थान आज वास्तव में एक छोटा टीला है, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया का पहला गणराज्य कहे जाने वाला वैशाली का इसे प्राचीनतम संसद समझा जाता है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है। इस संसद में 7,777 संघीय सदस्य इकट्ठा होकर समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी किया करते थे। यह भवन आज भी पर्यटकों को भारत के लोकतांत्रिक प्रथा की याद दिलाता है। रविशंकर प्रसाद ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ने का किया दावा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय संचार मंत्री ने हाल ही में बिहार के छात्रों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना स्थित आवास से CSE द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मुहिम के तहत CSR वैन को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने यह कहा है कि इस मुहिम के साथ हम देश के लगभग 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ेंगे। फिलहाल हमने 2 करोड़ लोगों को इस मुहिम से जोड़ दिया है। जल्द ही हम अपने बचे हुए लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस चुनावी साल में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं, जहां पर सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए एक बार फिर से बिहार में बेरोजगार हटाओ यात्रा का आह्वान करने वाले हैं। जहां इस यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि सरकार के खिलाफ शुरू होने वाले बेरोजगारी यात्रा लगभग 5 सप्ताह तक जारी रहेगी। इसके आगे उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को यह मंशा है कि सरकार सिर्फ मुस्लिम और यादव के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है, हम आप सबके लिए हैं। एयरलाइन अलाइड सर्विस ने सुपरवाइजर और फ्लाइट डिस्पैचर के लिए निकाली रिक्तियां। एयरलाइन अलाइड सर्विस ने सुपरवाइजर और फ्लाइट डिस्पैचर के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके तहत सुपरवाइजर पद के लिए 51 सीटों पर आवेदनों की मांग की गई है, तो वहीं फ्लाइट डिस्पैचर के लिए 7 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुपरवाइजर पद के लिए किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री और हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास वैध BCAS बेसिक, AVSEC BCAS सर्टिफाइड, XBIS स्क्रीनर वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं फ्लाइट डिस्पैचर के लिए भौतिक और गणित के साथ 10+2 डिग्री का होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 मार्च तक www.airindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अनुरंजन झा की। अनुरंजन झा बिहार के मोतिहारी जिले के फुलवरिया नामक एक छोटे से गांव से हैं। उनके पिता रमेश चंद्र झा एक लेखक थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास में स्नातक किया और भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में स्नातक और डिप्लोमा प्राप्त किया है। झा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की थी और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता के साथ एक संवाददाता के रूप में काम किया है। 30 साल की उम्र में अनुरंजन झा हिंदी समाचार चैनल इंडिया न्यूज के संपादक और समाचार निर्देशक बन गए। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज, आज तक, बैक फिल्म, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, जनसत्ता जैसी कंपनियों के साथ भी काम किया है। SBI कार्ड धारक 28 फरवरी तक करवा ले यह जरूरी काम। अगर आप भी SBI कार्ड धारक हैं और अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट को बंद नहीं होने देना चाहते हैं तो 28 फरवरी तक KYC का काम पूरा करवा ले। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो 28 फरवरी के बाद सभी बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। SBI ने खुद भी सभी कार्डधारकों से SMS के द्वारा यह अपील की है कि 28 फरवरी तक बैंक अकाउंट से जुड़े KYC का काम पूरा करवा ले। बिहार के 150 VIP की सुरक्षा हटी। बिहार के VIP को दी गई सुरक्षा के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के लगभग 150 VIP उम्मीदवारों से सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सभी कर्मियों से बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में अपना योगदान देने की अपील की है। सरकार के इस फैसले के बाद सभी VIP लोग नाखुश हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के अधिकतर VIP अपने पद का फायदा उठाकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनाती की मांग करते थे। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद सभी 150 VIP सरकार के इस फैसले पर विचार करने की मांग भी कर रहे हैं। बिहार में मौजूद है उद्योग की हर संभावना। बिहार के लोगों को लेकर आम जनता की यह धारणा बनी हुई है कि बिहार में केवल कृषि आधारित उद्योग और एग्रो प्रोडक्ट को ही डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बिहार की क्षमता इससे कहीं ज्यादा है, जिसका समुचित विकास और विस्तार करने की जरूरत है, जिसकी जानकारी MSME के डिप्टी डायरेक्टर सम्राट झा ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2020 में दी है। बिहार के रहमत उल्लाह का रणजी ट्रॉफी में शानदार रहा है सफर। बिहार के रहमत उल्लाह ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में शतकीय पारी खेलकर तीसरी जीत हासिल की है। रहमत उल्लाह बिहार के भागलपुर जिले से आते हैं। आपको बता दें, रहमत ने पहली पारी में 140 रन बनाए, वहीं गेंदबाजी में आशुतोष अमन ने 10 विकेट लिए। इस खेल में रहमत उल्लाह ने शानदार बल्लेबाजी की है। अब फेसबुक ब्राउजिंग हिस्ट्री को हटाना होगा और भी आसान। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले फेसबुक में अब जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है, जिसके तहत अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके फेसबुक की हिस्ट्री को कोई और ना देखे, तो इसके लिए फेसबुक में एक नया फीचर लागू होने वाला है। खबरों की माने तो फेसबुक में जल्द ही क्लियर हिस्ट्री का टूल आने वाला है, जिसकी मदद से अब सभी फेसबुक यूजर्स जब चाहे तब अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, जिसकी जानकारी फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने खुद ट्वीट करके दी है। APJ अब्दुल कलाम की बायोपिक का पहला पोस्टर हुआ रिलीज। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पर बनी बायोपिक जल्द ही सिनेमाघरों में प्रसारित कर दी जाएगी, मगर रिलीज से पहले इस पोस्टर का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है। आपको बता दें, APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पर बनी इस फिल्म को हॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में भी रिलीज किया जा रहा है। खबरों की माने तो यह फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज हो जाएगी। वहीं इस फिल्म में APJ अब्दुल कलाम का किरदार दक्षिण भारत के लोकप्रिय अभिनेता अली निभा रहे हैं।
अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से भी लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावनाएं हैं, मगर कुछ जगहों पर बादलों के छाने से ठंड में इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रहा है नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,660 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,130 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,300 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.68 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 69.6 रुपए प्रति लीटर था। पटना से दिल्ली और कोलकाता जाना अब होगा और भी आसान। पटना से दिल्ली और कोलकाता सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। रेलवे विभाग ने पटना से दिल्ली और कोलकाता सफर करने वाले यात्रियों के लिए हावड़ा पटना दिल्ली रूट पर झाझा से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे विभाग ने जिसके लिए स्पीड ट्रायल भी ले लिया है। खबरों की माने तो रेल सुरक्षा आयोग से मिली मंजूरी के बाद इस रेलखंड पर LHP ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा, जिससे कि अब पटना से दिल्ली और कोलकाता जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा माउंट गुई में। भले ही भारत न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार गई हो, मगर हार के बावजूद भारतीय टीम के खिलाड़ियों में एक सकारात्मक बदलाव देखने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट फैंस को भारतीय टीम से काफी उम्मीदें भी है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड टीम का आखिरी मैच न्यूजीलैंड के माउंट गुई में होगा, जहां टीम इंडिया ने आज तक न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ जीत ही दर्ज की है। मैच से पहले यह उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि यह पिच टीम इंडिया के अनुकूल है तो टीम इंडिया के जीतने के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए। तेजस से कर सकेंगे दिल्ली का सफर। भागलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का परिचालन अब PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इसके लिए समय सारणी जारी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही जारी हो जाएगी और तेजस से जल्द ही दिल्ली का सफर रेल यात्री कर सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है अंजलि यादव, ऋषि राज, अमित आनंद, मोहम्मद आलम, हरेंद्र कुमार गुप्ता, सोनू यादव, अमित कुमार, देव कुमार, अनुराग शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में आपके हिसाब से भारतीय टीम को कौन सी रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।